वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए बड़ी की रेसिपी। बड़ी बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है और आज हम इसे पीली मटर और उड़द की दाल से बनाएंगे। ये बिहार की ऑथेंटिक रेसिपी है। इन बड़ियों को आप एक बार बना के पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये बड़ियाँ गर्मी के मौसम में बनाई जाती हैं क्योंकि इन्हें सूखने के लिए तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। 4:1 के रेशियो में आपको पीली वाली मटर और उड़द की दाल लेनी है। मतलब 4 कप अगर आप पीली मटर ले रहे हो तो 1 कप उड़द की दाल लेनी है। 7-8 घंटे इसे 5 से 6 गुना पानी में सोख करके रखें और फिर पानी से छान लें और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे ढक के 2 से 3 घंटे रखें जिससे ये जो बैटर है थोड़ा हल्का हो जाएगा, हल्का सा फर्मेंटेशन इसमें हो जाएगा। बस 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम बस इतना ही रखना है। मटर की दाल को बारीक पीसेंगे और उड़द की दाल को हल्का दरदरा। यहाँ पर मैंने 2 कप पीली मटर ली थी और 1/2 कप मैंने उड़द का दाल लिया था। तो इसके लिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हम ग्रेट कर लेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड, 1 टीस्पून काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून मेथी के दानों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। सिर्फ मेथी के दाने भूनने हैं, बाकी और किसी मसाले को भूनना नहीं है। आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो काली मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे लगभग 1 टेबलस्पून और हींग लेंगे 1/2 छोटी चम्मच। आप चाहें तो बारीक कटे हुए कुछ कच्ची मिर्चों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब मेथी दाना, काली मिर्च और जीरा को हम मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे और इन सभी मसालों को दाल के पेस्ट के साथ मिक्स करेंगे। अदरक को भी यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया, आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक और हींग भी हम डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे मिक्स करने के बाद भी हमें 5 से 10 मिनट तक फेंटना होता है। आप इसे चम्मच से भी फेंट सकते हैं, हाथ से भी फेंट सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो जो हैंड ब्लेंडर्स आते हैं उसकी मदद भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम इसे फेंट लेंगे। अब चेक करने के लिए एक बोल में हम पानी लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को डाल के देखेंगे। ये अच्छे से फ्लोट होना चाहिए। अभी ये फ्लोट तो हो रहा है लेकिन पूरे तरीके से फ्लोट नहीं हो रहा है। तो इसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा और फेंटा। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि ये जब इस मिक्सचर को हम पानी में डालेंगे तो ये मिक्सचर इस तरह से तैर के ऊपर आना चाहिए, तभी आपकी बड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सोडा वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये बड़ियाँ जो है वो बहुत ही हल्की और सॉफ्ट बनेंगी और 10 मिनट में ही पकाते वक्त बहुत अच्छे से गल जाएंगी। तो अब ये बैटर फ्लोट होकर पानी के ऊपर अच्छे से आ रहा है, इसका मतलब ये बैटर बिल्कुल रेडी है बड़ियाँ बनाने के लिए। आप इन बड़ियों को स्टील की प्लेट पे भी बना सकते हैं, चादर पे बना सकते हैं, प्लास्टिक की शीट पे बना सकते हैं। अगर स्टील की प्लेट पे आप इन बड़ियों को बना रहे हैं तो प्लेट को ऑयल से ग्रीस करना बिल्कुल नहीं भूलें। बेस्ट ऑप्शन होता है चादर पे या फिर किसी कॉटन के कपड़े पे इन वड़ियों को बनाना। मैं अभी आपको प्लेट और कॉटन की बेडशीट दोनों पे वड़ियों को बना के बताऊंगी और क्या डिफरेंस है वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको कुछ की पॉइंट्स, मतलब कि जो इसके इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो बता देती हूँ सॉफ्ट वड़ियाँ बनाने के लिए। 1, दाल और मटर का जो प्रोपोर्शन है वो 1:4 का ही रहना चाहिए। दूसरी चीज़, दाल और मटर दोनों अच्छे से सोख होना चाहिए, अच्छे से भीगा हुआ होना चाहिए। मतलब 7 से 8 घंटे आपको ज़रूर ही भिगाना है और उसके बाद ही इसको पीसना है। 3, जब आप इन वड़ियों को धूप में डालते हैं तो पहले दिन की जो धूप होती है उसमें ही ये वड़ियाँ सूख जानी चाहिए। मतलब इतनी सूख जानी चाहिए कि ये चादर से बहुत अच्छे से अलग हो जाए और उसके बाद फिर आप इसे डेफिनेटली 3 से 4 दिन फिर से धूप दिखाएंगे ताकि बिल्कुल किसी तरह का मॉइस्चर ना रहे। बट पहले दिन की धूप बहुत ज़रूरी होती है, तो आप वेदर को चेक करके ही इन वड़ियों को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैंने थाली में और चादर दोनों जगह पर वड़ियों को बनाया है। ऑलमोस्ट सुबह से लेके 4 घंटे की कड़ी धूप के बाद ये वड़ियाँ आधी सूख गई हैं। ये देखिए, चादर पर से वड़ियों को अगर हम निकालते हैं तो अभी बीच में ये वड़ियाँ कच्ची हैं, तो अभी 3-4 घंटे की धूप और लगेगी। और थाली से जब इन वड़ियों को मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो निकलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया थाली पर, तो
इसीलिए मैंने 4 घंटे के बाद ही थाली पर लगी हुई वड़ियों को निकाल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ड्राई होने के बाद सही से नहीं निकलेंगी, टूट जाएंगी, इसलिए तो मैंने चाकू की मदद से इस तरह से धीरे धीरे करके इन वड़ियों को 4 घंटे में ही निकाल लिया और उसके बाद वापस से उसे फिर धूप में रख दिया। पूरे दिन धूप लगने के बाद बढ़िया कुछ इस तरह से हो गई हैं। अब हम चादर की बड़ियों को भी निकाल लेते हैं और ये देखिए कितनी आसानी से पूरे दिन की धूप लगने के बाद ये बढ़िया चादर पर से निकल जाएंगी। ये कॉटन की बेडशीट है, बेडशीट को मैंने उल्टा करके उसके ऊपर वड़ियों को बनाया था। तो इसी तरह से हम सारी वड़ियों को चादर पर से या फिर थाली से या प्लास्टिक की शीट से निकाल लेंगे और 2 या 3 दिन की और कड़ी धूप में इसे हम सुखाएंगे और उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप रखें और 1 साल तक आप इसे इन वड़ियों को यूज़ कर सकते हैं। इन वड़ियों को आप प्लेन भी बना सकते हैं, बट मोस्टली इन वड़ियों को आलू या फिर बैंगन के साथ या फिर आलू बैंगन मिक्स करके बनाया जाता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।